जिसका शेप कुछ इस तरह से है, ऑलमोस्ट एल शेप का है, लेकिन यहाँ पे एक आर्क दे रखा है हमने, तो इस वायर की वजह से मुझे फील्ड निकालना है। ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वायर के तीन पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, जहाँ से यह आर्क स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा पार्ट, जहाँ से अपर हाफ से आर्क एंड होता है वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तीसरा पार्ट, ये खुद आर्क। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3.14 में देखा था कि ये जो फील्ड की वैल्यू है इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, वो होता है एक्सिस से 45 डिग्री पे नीचे, इस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के नीचे। और वैसे ही इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो इस एक्स एक्सिस से इधर ऊपर तरफ 45 ऊपर। मतलब देखा जाए तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इस आर्क की वजह से जो फील्ड होगी, आर्क की वजह से जो फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा 2π/r साइन थीटा बाई 2। ये हमने 3.6 नंबर क्वेश्चन में किया था, आप वहां पे देख सकते हैं। सो 1 एंड 2 की फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। 3 की फील्ड लैम्डा डिवाइड बाई 2π/r साइन थीटा की वैल्यू, यहां पे जो थीटा है वो यहां पे पाई बाई 2 है। सो फील्ड जो E3 आएगी लैम्डा डिवाइड बाई 2√2π/r। तो नेट फील्ड आ जाएगी, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2λ/4π/r। यहां पे क्या है, नेट फील्ड निकालने के लिए तीनों फील्ड का मुझे वेक्टर सम करना होगा। तो आपको पता है 1 एंड 2 फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बचेगी नेट फील्ड 3 की। तो 1 एंड 2 कैंसिल कर गए, बचा नेट फील्ड 3 का। तो जो नेट फील्ड आएगी वो फील्ड आएगी 3 वाली, मतलब ये √2λ/4π/r ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके दूसरे पार्ट में दिया है कि यू शेप की रॉड है या वायर है, इसके वजह से फील्ड निकालना है यहां पर। तो इसको फिर से वैसे हम दो से तीन सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, वन सेगमेंट ये हो गया, टू सेगमेंट ये हो गया, थ्री सेगमेंट ये आर्क वाला हो गया। तो सेगमेंट 1 एंड 2 की फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से फील्ड इस एक्सिस से 45 डिग्री बिलो हो जाएगी, इस वाले की इससे 45 डिग्री बिलो हो जाएगी। इन दोनों की जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, जो वेक्टर सम होगा इन दोनों का, वो हो जाएगा ये E डैश। और देखो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों को हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे क्या निकालेंगे, E1 E2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। E1 का मैग्नीट्यूड अभी हम पीछे देख ही चुके हैं, √2λ/4π/r होगा। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी λ2π/r, वो जस्ट अपोजिट ऑफ 3 होगी। 3 क्या है, 3 एक आर्क के वजह से फील्ड है, आर्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा डिवाइड बाय 2π/r साइन थीटा बाई 2। पे यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, पाई रेडियन। तो इस पाई रेडियन की जब वैल्यू रखी जाएगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 हो जाएगा पूरा। तो ये फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डिवाइड बाई 2π/r। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इस यू शेप का जो आर्क बना हुआ है, पूरा वायर बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी इस जगह पे, वो नेट फील्ड आएगी 0।